सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन. आज है 21st ऑफ जुलाई एंड 22nd 21st. सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन. आज है 22nd ऑफ जुलाई एंड मैंने जो सिनेमैटिक शॉट लिए थे वो थे 21st को जब मैं ट्रैवल कर रहा था बस के थ्रू. एंड अभी बज रहे हैं यहाँ पे 12 बजे के आसपास एंड राइट नाउ वी आर एट यहाँ पे गंगा के कोई साइड वाली बाउंड्री पर. मेरे को पता नहीं यहाँ पे कौन सा घाट है ये, और बहुत सारे घाट्स हैं यहाँ पे गंगा के आसपास. अगर आप हरिद्वार आए हो तो आपको पता है कि घाट बेसिकली होता क्या है. एंड यहाँ पे अभी इसका फ्लो दिखाता हूँ कि पानी का कितना है. ये देखो बहुत बहुत तेज़ है फ्लो, और इसके नीचे मिट्टी इतनी है और पानी इस साइड पे तो गंदा है जहाँ पे हमारा स्टे है वहाँ पे. सो गाइस मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पे नाम बता अपना. चिंतन है मेरा नाम. चिंतन, नील है और साथ में रोहन, थिएटर सोसाइटी का बंदा. हाय गाइस. हाय गाइस. हाय गाइस. सो गाइस अभी यहाँ पे हम नहाने तो नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत लंच करके उसी के बाद आएंगे यहाँ पे खाना खाने. प्लस मौसम तो यहाँ पे ऐसा था कि क्लाउडी है, बट आसपास का जो पानी है यहाँ पे इस साइड में पता नहीं मेरे को कुछ पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है इस साइड में. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. यहाँ पे क्लाउड्स आप देख सकते हो आसपास, बट धूप अभी भी है. सो गाइस इसके बाद का जो हमारा प्लान है, हम कोई लोकल प्लेस में जाएंगे हरिद्वार के कोई लोकल जगह में. एंड जिस काम से हम यहाँ पे आए थे, एक मीटिंग थी, जनरल मीटिंग थी मे बी किसी चीज़, मेरे को पता नहीं किस चीज़ की थी बेसिकली, बट हाँ हम आ चुके हैं. सो प्लान तो यही था कि ट्रैवल करेंगे एंड उसके बाद वो मीटिंग जो ओवर होने वाली है वो आज लंच तक ओवर हो जाएगी. एंड तब तक देखते कि हम क्या करते हैं. अभी तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट्स वगैरह दिखाए वहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, क्लाउडी वेदर है. एंड यहाँ पे नहाने का जो प्रोग्राम है हमारा वो लंच के बाद है. एंड गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मैंने बताया था आप लोगों को, ट्यूसडे को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बैंगलोर. सो मे बी एयरपोर्ट का एक छोटा सा व्लॉग अगर आपको देखना हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, जब भी मैं अपलोड करूँगा. मे बी तब तक शायद मैं वो शूट कर चुका हूँ, मे बी नहीं, हाँ मैं मंडे को ही अपलोड कर दूंगा. सो अगर आप लोगों को वो वाला शूट भी चाहिए तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना. एंड ट्यूसडे को ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं 6 AM की फ़्लाइट है तो मेरे पास पूरा दिन बेसिकली रहेगा एडिट करने के लिए. सो गाइस अभी जस्ट हम यहाँ पे कॉर्नर पे आए हुए बाउंड्रीज़ में एंड सोच रहे थे कि नहाना तो है नहीं, मेरा तो मन नहीं कर रहा, बिकॉज मैं जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पे हरिद्वार तो मतलब पानी साफ था, ठीक है, मतलब उसको भी हो गए कम से कम 3 से 4 साल हो गए मेरे को आए हुए लास्ट, बट स्टिल यहाँ पे बहुत पानी गंदा है. अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितनी यहाँ पे पूरी मिट्टी की लेयर है. ये स्टेयर केसेस ही हैं यहाँ पे, नीचे भी स्टेयर्स ही हैं, ये मार्बल का है, बट यहाँ पे नीचे कुछ ज़्यादा ही मिट्टी है. यहाँ पे देखो ये कचरा, देखो ये देखो. लास्ट टाइम जब मैं आया था तब यहाँ पे मैं 9th स्टैंडर्ड पे शायद था, बट पानी बहुत साफ था, बहुत साफ था लिटरली. एंड वहाँ पे एक नहाने की जगह है, वहाँ पे हम मे भी जाएंगे. मैं तो अब नहाने नहीं वाला बेसिकली. और यहाँ पे आप क्लाउड्स वगैरह देख सकते हो, कितने सही वेदर बन रखा है यहाँ पे. सो गाइस अभी तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अब प्लान है यहाँ पे इसके बाद कहाँ जाने का, तो कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद. अभी मेरा तो नहाने का प्लान है. देख अबे इतना गंदा पानी है यहाँ पे, तो कहाँ नहाएगा, इतना मतलब डंडिया जा रही है, मिट्टी गंगा, है. इट्स गंगा. ओके अबे गंगा पाप है, बट हम यहाँ पे हमारे पाप धोता है, बट तू अपने पाप धो यहाँ आके, ठीक है. क्या पाप करे इतने, तूने बहुत पाप करे बचपन में, ठीक है. तो बचपन का वो 9th में आ गया ना मैं. नहीं तो, नाइन्थ के बाद भी तूने बहुत पाप करे, तो उसको धो यहाँ पे. 9th के बाद क्या पाप करे मैंने, तूने कौन से पाप देख लिए मेरे. कुछ तो करे ही होंगे, सब करते हैं, तूने भी करे होंगे. अबे तो गाइस अभी तो यहाँ पे पाप करे और मैं धोने आया हूँ यहाँ पे. थोड़ा बहुत हम भी धो लेंगे, मुंह धो लेंगे, हाथ वाथ धो लेंगे, बट यहाँ पे पीछे तो चल रहा है फोटो सेशन वहाँ पे उन दोनों का, बहुत देर से चल रहा है, मतलब हमने फोटोज अपने क्लिक कर लिए, बट दे आर स्टिल ऑन देयर वे टू गेट अ परफेक्ट क्लिक. वहाँ पे देखो ये पुराने पुराने पोज. अभी ये क्या कर रहे हैं वे, ये देखो पोज ले रहे हैं, नकली नकली फोन लगा के. वो पुशअप पाड़ो तो कर, कहाँ करूँ पुशअप पाड़ो.
अभी अभी जस्ट हम यहाँ पे चाय पी के आए हैं और मेरे को तो इतनी चाय पसंद है नहीं, बट स्टिल पी रही जैसे जैसे करके। एंड जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं वो आश्रम है यहाँ पे, एंड अभी हम सारे जा रहे हैं बंसा देवी। सारे अभी हाय क्या बार बार बोल रहे हैं तुम खाई पहले। तो एक ऑटो ऑटो यहाँ पे होते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है इस वाले ड्राइवर का। तो गाइस अभी हम यहाँ पे मनसा देवी पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से वॉक है कितने किलोमीटर का वो मुझे पता नहीं, कितने किलोमीटर का वॉक है यहाँ से, यहाँ से पता नहीं अंकल जी बता रहे हैं वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे वो देखो भी अगर ऊपर तो वो लिफ्ट वगैरह भी चल रही है, अगर दिख रही होगी वो यहाँ पे पानी वाला चाहिए, लिफ्ट वगैरह चल रही है यहाँ पे। एंड यहाँ से हमें ऑटो रिक्शा ने छोड़ दिया। किलोमीटर है यहाँ से, कितना किलोमीटर है भैया? 1 किलोमीटर, सवा किलोमीटर, सवा किलोमीटर। एंड रिटर्न में मतलब ऊपर कितना टाइम का काम लग जाता है, मतलब दर्शन वगैरह में भीड़ होगी, भीड़ के साथ भीड़ ना है भाई नहीं है मतलब उससे फिर आपका नंबर ले लें हम आपको कॉन्टैक्ट। चलो ठीक है। सो अभी यहाँ पे सवा किलोमीटर कितना होता है, 1.15 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर का, 1.25 होता है, 1.25 किलोमीटर का यहाँ पे वॉक है। एंड यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये पूरा वॉक है और वो ऊपर मंदिर है वहाँ पे, ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा होगा अगर, मे भी आगे जाके दिखाता हूँ। वो वाला मंदिर है, आंटी वहाँ पे कन्विंस कर रही है प्रसाद ले ले के लिए, बट हमें लेना ले ही नहीं है। ये देखो ये आंटी नहीं ले रहा, आंटी स्ट्रगल हैशटैग स्ट्रगल पड़ गए यार, क्या है यार, एक प्रसाद ले लिया तो भी इनफ नहीं उनके लिए। अरे आंटी नहीं चाहिए, अरे हमारा एक ले लिया, उनसे ले लिया, वो बच्चे आगे दौड़ के। एंड फाइनली यहाँ पे आंटी कन्विंस कर चुकी है, वहाँ चढ़ जाएगा आधा फुल ले लिया चंदन। हाँ ले लिया यार आंटी, जब क्या करें। सो गाइज़ यहाँ पे जो अभी हम आश्रम में रुके हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। जो पुराना टाइप का वो आश्रम है, वहाँ पे आपको खाना खाने के बाद खुद ही आप लोगों को अपनी प्लेट्स वगैरह धोनी पड़ती है। एंड वहाँ पे रूम्स वगैरह सारे के सारे बढ़िया हैं, और वहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ वो है कि वहाँ का खाना बढ़िया है। एंड उसी के जस्ट सामने ही जो एक घाट जहाँ पे हम थे, बहुत ही पास है लेफ्ट हैंड साइड में जाके। एंड अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं ऑन अवर वे टू मनसा देवी। एंड अभी लिफ्ट वाला हमने ऑप्ट नहीं करा है, हमने सोचा बाय वॉक जाएंगे, 1.25 किलोमीटर्स ही है। सो गाइस ये है पूरी की पूरी लिफ्ट, वहाँ तक डायरेक्ट टेंपल तक जाती है फ्रॉम द रोड जहाँ पे हमने पार्किंग देखी थी पहले नीचे की साइड पे। एंड आई डोंट नो व्हाट इट कॉस्ट, बट मेरे ख्याल से 500 या 1000 रुपीज़ का इसका टिकट होगा, मे बी 100 रुपीज़ पर पर्सन बस, सिर्फ 100 रुपीज़ है। और बट फिर भी यार वॉक करके 1.25 किलोमीटर इज़ नॉट दैट बैड, सो वी आर ऑन अवर वे। यहाँ पे अभी मैं अपना सेकेंडरी ट्राईपॉड भूल चुका हूँ, जिससे मैंने सोचा था कि टाइम लैप्स वगैरह बनाऊँगा, बट पूरा भूल चुका हूँ। एंड अब यहाँ पे कैसे टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो रहा है देखो,
ये देखो कहाँ पे फोन अटका हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी ट्राइपॉड ना लाने की सजा, दो पत्थर को झेलनी पड़ रही है और व्यू सामने, रोक नहीं सकता था पत्थर पे लगाने के लिए। एंड यहाँ पे ढलान है, सो पता है मेरे और इसमें डिफरेंस क्या है? बता सकते हो क्या डिफरेंस है? मेरे को चाय पसंद नहीं है और इसको चाय पसंद है। चाय किसको पसंद नहीं होती यार? मेरे को चाय लाइक चाय। गेट लॉस्ट, थक गए, चलो गोका चलो, चलो गोका चलो, चलो गोका चलाएंगे, ताली लोग बचाएंगे, चलो गोका चलो, चलो गोका चलो, बिल्कुल जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ की एक अच्छी बात बताई क्या है, कैमरा अलाउड है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि बहुत सारे दिल्ली के मॉल्स में भी इंक्लूडिंग मैक डी में, सीसीडी में भी बहुत जगह पे कैमराज अलाउड नहीं होते, बट इस मंदिर में यहाँ पे मनसा देवी में कैमरा इज़ अलाउड। सो एनी ऑफ यू आर कमिंग हियर विद द DSLR और एनी कैमरा, इट इज़ अलाउड। सो गाइस अब प्लान है यहाँ से वापस जाने का, दर्शन वगैरह हो गए हैं, उसके बाद 8 बजे एग्जैक्ट हमारी बस निकलेगी और 7 बजे तक कैसे भी करके यहाँ से हमें हमारी बस वाली साइड पे पहुँचना है। एंड अभी यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा तो लगेगा ही एंड 45 मिनट्स के अंदर 7 PM हो जाएंगे। सो बेसिकली वी आर 15 मिनट्स अहेड ऑफ अवर टाइम, बट 8 बजे आज निकल जाएंगे। एंड वापस जाते ही फिर वही हेक्टिक शेड्यूल, मेरे को इस वाले ब्लॉग को एडिट करना है एंड मंडे को ही पोस्ट करना है। बाय द वे, बाय द वे, एक एक्सपेरिमेंट, कैमरा ऑफ है, अरे लोग रोक रोक के पूछ रहा है। यहाँ पे लोग पैदल जाना ज्यादा वो करते हैं, वो करते हैं, वो बोले तो, वो बोले तो, वो बोले, वो बोले तो। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्रैंक शूट नहीं कर सकते। Someone is coming, okay? Stay tuned. By chance, कभी लोग थक जाए तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे बेंचेस हैं, बैठ सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे बेंचेस हैं, तो प्लीज आप थोड़ा वो वाला डायलॉग भी गा सकते हैं, वो वाला कौन सा वैष्णो देवी गाते हैं, आगे वाले जय माता जी, पीछे वाले जय माता जी, दाएं वाले, दाएं वाले, दाएं वाले जय माता, बाएं वाले जय माता जी। सो दैट्स अस, या सो यहाँ पे व्लॉगिंग भी चल रही है और एक्सक्यूज मी अंकल, वी आर फ्रॉम यूट्यूब चैनल KHK18 पटेल। सो हमें बेसिकली ये पूछना था आपसे कि आप ऐसे फुटस्टेप से क्यों जा रहे हो, आप वो लिफ्ट क्यों नहीं यूज कर रहे? श्रद्धा है, श्रद्धा। सो आप वैसे भी तो जा सकते हो लेकिन जो अपने हाथ पैर पे चल के जाना वो अलग सा एक वो है, ये ज्यादा प्रेफर करते हो। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे चल के क्यों जा रहे हो, आप उसमें क्यों नहीं जा रहे लिफ्ट में, रोपवे में? पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो वैसे चल के जाना अच्छा होता है, हाँ चल के जाना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हेल्दी वे, हम सपोर्ट करते हैं कि चल के जाओ, इसलिए हम खुद चल के जाओ, बी ऑन द फुट, बी ऑन द फुट प्लीज। कैमरा में आपका क्या कहना है? जितना भी पैदल चलोगे यात्रा करोगे वो बहुत बढ़िया लगे, और जितना ये हिंडोले पिंडोले चलोगे वो तो बेकार है। So guys, this is the morning of 23rd July and कल हम लोग वहाँ से निकले थे 9:30 to 10 PM के आसपास और पहुँचे थे यहाँ दिल्ली 3:30 AM के आसपास और 3 AM के आसपास, बट बस में बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया, बट फॉर सम reasons मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सारी चीज़ें एंड बीच में बस थोड़ी सी ख़राब हुई थी, फॉर 10 to 15 minutes का वहाँ पे हॉल्ट था और उसके बाद हम लोग ने डिनर करा था बाहर ही, सो वहाँ पे थोड़ा और हॉल्ट था एंड बहुत मज़ा आया। और व्लॉग की क्वालिटी आपको पता चल गया होगा कि मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कैमरा। एंड अगर आप लोगों को भी ये कैमरा सेम परचेज करना है, बहुत लोगों के DM आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि लिंक दे फ्लिपकार्ट का, बट फ्लिपकार्ट की सेल ख़त्म हो चुकी है मैंने जहाँ से परचेज करा था, बट यू कैन बाय फ्रॉम अमेजन, मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर रखा है इफ यू वांट टू बाय द सेम कैमरा। और भी मेरे गोरिल्ला ट्राइपॉड वगैरह जो भी मैं गियर्स यूज़ करता हूँ वो सारे के सारे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सो गो अहेड एंड चेक इट आउट।
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ट्यूजडे को भी मैं व्लॉग करूंगा एंड 7 PM के आसपास व्लॉग अवेलेबल हो जाएगा इस वाले चैनल पे ही, के 18 वाले चैनल पे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा पूरा व्लॉग, एंड लेट मी नो इन टू द कमेंट सेक्शन कि कौन सा पार्ट आप लोगों को व्लॉग का बढ़िया लगा था, और मिनट और सेकेंड के साथ आप मेरे को नीचे टाइप करके बता सकते हो। एंड गाइज लाइक तो कर ही देने वाली वीडियो को, बिकॉज फ्यूचर में ऐसी व्लॉग्स और आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस वाले चैनल पे। एंड गाइज सब्सक्राइब कर देने वाले चैनल को, एंड जो भी नए व्यूअर आए हो इस वाली वीडियो को देख के प्लीज एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू ग्रो। एंड गाइज जो नई वीडियो आएगी वो आएगी कल शाम को 7 बजे, बिकॉज आज रात को मैं निकलूंगा ट्रैवल करूंगा, वो सारी की सारी चीजें व्लॉग करके आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। सो अभी तो करते हैं वाली व्लॉग एंड, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।